Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Duniya mein ek mauzu ek arse se chhida hua hai ke dehshatgard kaun hai. बड़े बड़े इदारे, एकेडमीज और ज़बान के माहिरीन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दहशतगर्द कौन है. दुनिया में अंधेर नगरी और चौपट राज कायम है, दुनिया जंगल बन चुकी है. और ऐसी सूरत हाल में जो ज़बान के माहिरीन हैं वो भी सच नहीं बोल पा रहे हैं, हक नहीं बता पा रहे हैं. और जो बड़ी बड़ी डिक्शनरियों के लिखने वाले, उनके पढ़ने वाले हैं, वो भी सही बात तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो ये मसला भी बड़ा अजीब किस्म का गुंजलक बना हुआ है कि दहशतगर्द कौन है. देखा ये जा रहा है, जो कुछ देखा जा रहा है वो ये कि जो किसी का दुश्मन है वो उसको दहशतगर्द कहता है, जो किसी पर जुल्म करता है उस कमज़ोर को दहशतगर्द कहता है, जो झूठ बोलता है जिसके बारे में बोलता है उसको दहशतगर्द कहता है, जो चढ़ाई करता है किसी पर वो जिस पर चढ़ाई करता है उसको दहशतगर्द कहता है. ये देखा जा रहा है. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया था, सतकूनु सनवातुन खद्दाआतुन, सतकूनु सनवातुन खद्दाआतुन, युकज्जबु फीहा अस्सादिक व युसद्दकु फीहा अलकाज़िब ويؤتمن الخائن ويخون المؤتمن. فرمایا تھا کہ ایسے سال آئیں گے, ایسا دور آئے گا جس میں بڑا دھوکہ ہوگا, بڑا دجل ہوگا, بڑا فریب ہوگا, بڑا کھیل ہوگا, جس میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا, جھوٹے کو سچا کہا جائے گا, خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا, امانت دار کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا, आसमान को ज़मीन कहा जाएगा, ज़मीन को आसमान कहा जाएगा, काले को गोरा कहा जाएगा, गोरे को काला कहा जाएगा, सच को झूठ, झूठ को सच बताया जाएगा. ये खेल होगा, ये तमाशा होगा, दुनिया में फ्रेडी फ्रेडी होंगे, शातिर मक्कार, दज्जाल, दज्जाल के शागिर्द, उनके चेले चपाटे पूरी दुनिया में फैले हुए होंगे, वही छाए हुए होंगे. तो बहरहाल ये वो सूरत हाल है जिसमें एक लफ्ज़ के माना तय नहीं हो पा रहे हैं. मैं इस वक्त मोटी मोटी सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूं, और वो बातें ऐसी हैं कि दुनिया में जितने भी संजीदा लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो भी नेक है, इबादत गुजार हैं, संत हैं, महंत हैं, सूफ़ी हैं और सही माना में दीनदार हैं, उस पर मुत्तफिक, दहशतगर्द हर वो इंसान है जो किसी पर जुल्म करे, दहशतगर्द वो इंसान है जो चोरी करे, डकैती मारे, लूटे, दहशतगर्द वो इंसान है जो हुक्मरान हो तो लोगों पर ज़ातियाँ करे और उनका खून पी ले और उनके साथ हर तरह का जुल्म रवा रखे, दहशतगर्द वो है जो किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करे, मकान पर कब्ज़ा करे, दहशतगर्द वो है जो किसी बच्चे को मारे, औरतों को मारे, जो बूढ़ों को मारे, दहशतगर्द वो है जो सन्यासी को, संत को, महंत को, जो पुरअमन हो, जो इबादत गुजार हो, पुजारी हो, सन्यासी हो, उसको मारे, वो दहशतगर्द. दहशतगर्द वो है जो पुरअमन शहरियों को मारे, दहशतगर्द वो है जो कमज़ोरों को मारे, बेसहारा लोगों को मारे, दहशतगर्द वो है जो इंसान की ज़रूरियात को रोक दे, उसको खाना न दे, उसको पानी न दे, उसको ज़िंदगी गुजारने का सामान न दे, दहशतगर्द वो है जो अजियतें पहुंचाए, टॉर्चर करे और बदतरीन सलूक करे, दहशतगर्द वो लोग हैं कि जो अमन को तबाह करें, जो शांति को तबाह करें, जो किसी को पुरअमन ज़िंदगी गुजारने न दें, जो लोगों पर खौफ तारी कर दें, जो टेररइज कर दें, जिनके यहाँ टेरर हो, वो टेररिस्ट हो और वो लोगों के अंदर टेरर और खौफ और दहशत फैला दें, लोग जिससे बिला वजह डरने लगें, तो इसका मतलब वो दहशतगर्द है जो लोगों पर मुसल्लत है और लोगों का इस्तेहसाल करता है.
दहशतगर्द वो है, और इस एतबार से दहशतगर्द को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो भी किसी के ऊपर नाजायज़ हमला करे, जो भी कब्ज़ा करे, जो किसी की ज़मीन लूट ले और जो किसी की अमलाक पर कब्ज़ा कर ले, जो किसी की इज्जत पर डाके डाले, जो किसी की इज्जत को तार तार कर दे, जो लोगों को लूट ले, उनके घरों में घुस जाए, उनके लोगों को परेशान करे, और जो मुलजिम भी नहीं है, मुजरिम तो क्या होता है, जो मुलजिम भी नहीं है, उस पर हाथ उठाए और उसको खौफज़दा करे, और औरतों को सताए और बच्चों को मारे और उन पर बम गिराए, वो दहशतगर्द है, वो बिल्कुल दहशतगर्द है। वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, दुनिया के किसी मज़हब को मानता हो, किसी मुल्क का हो, गोरा हो, काला हो, कलर्ड हो, वो कोई भी हो, लेकिन ये बात तयशुदा है, खूब याद रखा जाए कि वो दहशतगर्द है जो जुल्म करने वाला है, जो ज़ाती करने वाला है, बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, बीमारों पर, पुजारियों पर, सन्यासियों पर, इबादत गुजारों पर, नमाज पढ़ने वालों पर, जो जुल्म करे, ज़ाती करे, उनको सताए, उनको अजियत दे, वो दहशतगर्द है। इसी तरह हर वो हुकूमत जो आवाम पर जुल्म करे, जो आवाम का इस्तेहसाल करे, जो आवाम को परेशान करे, जो बेगुनाहों को जेलों में डाले, जो उनको सताए, वो दहशतगर्द है। तो दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है, टेररिस्ट कौन है और कौन नहीं है, कौन अमन चाहता है, कौन दहशत चाहता है, कौन ये चाहता है कि लोग सुकून से रहे, और कौन लोगों का सुकून गारत कर देना चाहता है। हमारा हिंदुस्तान गैर जानिबदार ममालिक में रहा है और उसमें उसने क़ियादत का रोल अदा किया है। जब दुनिया अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक में तकसीम हो गई थी, हिंदुस्तान ने किसी के ब्लॉक में दाखिल होने को पसंद नहीं किया, और नाइन अलाइनमेंट मूवमेंट में हिंदुस्तान का बुनियादी किरदार था, और हिंदुस्तान ने हमेशा आज़ादी की तहरीक चलाने वालों का साथ दिया। हिंदुस्तान उधर जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के साथ रहा, और हिंदुस्तान यहाँ पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वालों के साथ रहा, और अफ्रीका में उन मुल्कों के साथ रहा जिन पर फ्रांस ने कब्ज़ा ज़ालिमाना कर रखा था, और जहाँ इटली ने कब्ज़ा कर रखा था उनके ख़िलाफ़ आज़ादी की जद्दोजहद में हिंदुस्तान उनके साथ रहा। हिंदुस्तान का ये मिजाज है, यहाँ के सूफियों का, संतों का, यहाँ के की अजीम शख्सियात का, यहाँ के कायदीन का, यहाँ के ज़ुआमा का यह मिजाज रहा है जो तश्कील पाया है सैकड़ों सालों में। वो पुरअमन मिजाज है, अमन का मिजाज है, इंसानियत का मिजाज है, मानवता का मिजाज है, गैर जानिबदारी का मिजाज है, इंसाफ का मिजाज है। इस मिजाज के ख़िलाफ़ अगर कोई भी कहता है, कोई भी बोलता है, कोई भी कदम उठाता है, तो वो गलत है। इसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान की कल्चर को और हिंदुस्तान की सकाफत को, हिंदुस्तान के तमद्दुन को, हिंदुस्तान की तारीख को छोड़कर अलग हो रहा है। वो किसी जंगल का दरिंदा हो सकता है, वो किसी गैर महज़ब मुल्क का शहरी हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का वो नुमाइंदा नहीं है जो अमन की बात ना करे, जो अमन की कोशिश ना करे, जो इंसानियत की बात ना करे, जो मानवता की बात ना करे, और जिसका काम ये हो कि हमें हर मज़लूम की मदद करना है, हर जालिम का हाथ पकड़ना है, वो अपना हो या पराया हो। हम ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान है या वो यहूदी, ये देखेंगे कि वो ज़ाती कर रहा है कि नहीं, वो जालिम है या मज़लूम है। तो जो जालिम होगा उसके ख़िलाफ़ होना हमारे लिए ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, इस्लामी ज़िम्मेदारी है, और ये कुरान की दी हुई ज़िम्मेदारी है। और जो भी किसी पर ज़ाती कर रहा होगा, हम उसके ख़िलाफ़ होंगे। इसलिए याद रखिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी ने भी, वो अलकायदा हो या वो हमास हो या वो दाइश हो या फलाओ, जिसने भी बेगुनाहों को मारा वो दहशतगर्द है। जिसने बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा, नमाजियों को मारा, पुजारियों को मारा, सन्यासियों को मारा
पुरअमन इंसानों को मारा, वो दहशत गर्द। इसलिए जहां जहां पर भी अमेरिका ने जुल्म किया, वो वियतनाम हो या वो सोमालिया हो या वो अफगानिस्तान हो या सीरिया हो या इराक हो या कोई मुल्क हो, जहां उन्होंने लाखों आवाम को मारा, बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को, नमाजियों को, अस्पताल में जिनका इलाज हो रहा है, तो वो सब दहशतगर्द थे। तो इस एतबार से जो भी ये हरकत करेगा वो दहशतगर्द, और इस वक्त इसराइल दहशतगर्द है, सबसे ज्यादा खतरनाक दहशतगर्द है, जो हजारों बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जो अस्पताल में मौजूद हैं, जिनका इलाज हो रहा है, उनको मार रहा है बेदर्दी के साथ, खूंखारी के साथ, आदमखोरी के साथ वो ये जरायम कर रहा है। तो क्या जायज है किसी के लिए कि वो इन जरायम पर खामोश रहे? जो अरब मुल्क तमाशा देख रहे हैं, वो सऊदीया हो या इमारात हो या मिस्र हो या कोई भी हो, अगर वो तमाशा देख रहे हैं तो वो मुजरिम हैं, मुजरिमों के साथ खड़े हैं। अपने मजलूमों का तमाशा देखकर वो बेगैर तमाशा देखने वाले मुजरिम हैं, बेहया हैं। उन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, अंबिया की लानत, तमाम इंसानों की लानत। सबको उठ के खड़ा होना है, मजलूमों की मदद करना है, जो भी मजलूम है, यहूदी मजलूम है उसकी मदद करना है जहां वो मजलूम होगा, मुसलमान मजलूम है उसकी मदद करना है, जहां हिंदू मजलूम होगा उसकी मदद करना है, सिख मजलूम होगा उसकी मदद करना है। हम इंसानियत को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इस इंसानियत है, फिर कोई हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, पहले वो इंसान बने इंसान। इसलिए हमें इसी निगाह के साथ देखना है, तमाम हालात का जायजा इन बुनियादी उसूलों को सामने रखते हुए लेना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये वो जिम्मेदारी है जो ईश्वर ने, जो गॉड ने, जो लॉर्ड ने, जो अल्लाह ने हम पर आयत की है, और हमारी इंसानियत जिसका मुतालबा करती है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।